पास इसमें आलू होता, मीठी खट्टी मीठी चटनी होती। मुझे क्या देख रही है। हाय फैमिली, कैसे आप सब? आज आपको टाइटल देख के तो पता लग गया होगा कि आज मैं पूरे दिन सिर्फ चॉकलेट खाने वाली हूँ। नहीं आता। ओके, सो एज यूजुअल हमारी 11:30 बजे सुबह हो चुकी है। जस्ट मैंने अभी वीडियो अपलोड की है शाही पनीर वाली, एंड उसके बाद मैंने सोचा चलो एक चैलेंज ही कर लेते हैं आज। तो आज होने वाला है आई एट ओनली चॉकलेट फॉर 24 आवर्स, जिसमें मैं सिर्फ चॉकलेट खाने वाली हूँ। मतलब वो डेयरी मिल्क सिल्क, एक्चुअली ना चॉकलेट का नाम सुनते ही डेयरी मिल्क जो की जो सिल्क आती है ना, वही मेरे दिमाग में आती है। आई डोंट नो पता नहीं क्यों। तो वो चॉकलेट नहीं होने वाली है। चॉकलेट मतलब चॉकलेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो केक हो सकता है, वो बिस्किट्स हो सकते हैं, वो शेक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है मतलब। तो अभी जब मैं जैसे उठी एंड उसके बाद मैंने शेक बनाया, अपना ब्रेकफास्ट तैयार किया है, तो सबसे पहले हम अपनी ब्रेकफास्ट की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। टन टना ओके, तो ये मैंने बॉर्नविटा शेक बनाया है जिसमें मैंने किटकैट के पीस डाल दिए हैं, एंड साथ में मेरे पास है मून फिल्स जिसमें, एंड यूनिबिक के बिस्किट। एंड कल जब मैं मार्ट गई ना लेने के लिए चॉकलेट को, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी उसके पास, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, बट सारी नॉन वेज। एंड आज ट्यूजडे है जिसमें मैं शूट कर रही हुई थी, तो मैं सारे देख के लाई हूँ। जो वेज का ये डॉट, वेज का जो ये डॉट होता है ना ग्रीन वाला, ये देख के आई। तो वेज में सिर्फ उसमें 3 से 4 चीज़ें ही पड़ी थी, तो मेरे को जो जो मिली मैं सारी उठा के ले आई। तो पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लूँ। टेस्टी, एक काम करो सबसे पहले जाके इसकी रेसिपी ही देख लो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all. देख के आ गए ना आप लोग। इसके अंदर चॉकलेट है थोड़ी सी। हे गाइस, तो अब 4 बज गए, हमारा लंच टाइम हो गया है, एंड मुझे अब जाके थोड़ी भूख लगी, क्योंकि अगर आप मीठा एक बार दिन में खा लेते हो ना तो आपको पूरे टाइम भूख नहीं लगने वाली है। तो लंच के लिए मैंने तैयार किए हैं चॉकलेट गोलगप्पा। ओ माय गॉड, तो बेसिकली ये मैंने तैयार नहीं किए हैं, मतलब मैंने नहीं बनाए हैं, मैंने बस इसमें थोड़ा सा चॉको सिर्प डाला है एंड दूध एंड थोड़े से जैम्स डाले हैं। बाकी ये सारा गोलगप्पे जो मेन काम है ये गोलगप्पे वाले का ही है, मैं बाहर से मार्केट से लेके आई हूँ। तो गिलगिले हो उससे पहले हम इसको ट्राई करते हैं, एंड मेरे को लग रहा है मैंने पूरा ख़राब कर दिया, इसमें मैंने बहुत सारा चॉकलेट डाला है। एंड इसे हमने थोड़ा सा दूध ले लेना है। तो
सा आलू डलता है, मीठी चटनी डलती है, उसको ऐसे चटपटे खट्टे पानी में लेके ऐसे खाया जाता है। लेकिन अभी कौन बोलता है चॉकलेट गोलगप्पा अच्छा होता है? कोई फ्राई हुई पूरी में चॉकलेट सिरप डालेगा तो अच्छा कैसे लग सकता है? पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मतलब घटिया ही हो रहे हैं, बट स्टिल काश इसमें आलू होता, मीठी खट्टी मीठी चटनी होती। तो लंच हो गया है एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। एंड गाइस मैं बोलना चाह रही हूँ, अगर आपको खाना है ना किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाके भी, तो सोच समझ के ही ऑर्डर करके खाना, क्या पता वो अच्छा बनाते हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ वो गंदा बनाते हो, पर फिर भी मैंने एक चॉकलेट समोसा ट्राई किया था, उसके बाद मैंने अब ये ट्राई किया है, दोनों ही एक थर्ड क्वालिटी वाला। आई मीन चॉकलेट समोसा तो मैंने मार्केट से बना हुआ खरीदा था, बट यार किसी चॉकलेट को मतलब आई मीन फ्राई चीज़ के ऊपर आप डाल रहे हो, लाइक समोसा फ्राइड होता है उसके अंदर ब्राउनी ब्राउनी होती है, बट स्टिल फ्राइड का जो चॉकलेट का मिक्सचर होकर जो टेस्ट आता है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट पता नहीं लोगों को अच्छा लगता था, मे बी मार्केट में जो रेस्टोरेंट में लोग बनाते हो अच्छा बनाते होंगे। एंड दूसरी बात ये कि मीठा तो मेरे मुँह में चले गया, तो मेरा तो अभी यहाँ तक अजीब हो गया। अब तो मेरे को लग रहा रात को भी मीठा नहीं खाना है, क्योंकि मुझे जब भी मीठा खाऊंगी रात में मुझे यही टेस्ट आने वाला है। फिर भी चैलेंज पूरा करना है, मैं करके ही रहूँगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो चैलेंज किस बात का है कि यम्मी यम्मी चीज़ें खा लो और हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, मैं आपसे रात में मिलती हूँ। एंड आज हम बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि बाहर जाके कोई हमारे यहाँ रेस्टोरेंट है नहीं, कोई इतनी अच्छी बेकरी है नहीं कि मैं वहाँ बैठ के आराम से चॉकलेट की चीज़ें खाऊं। तो मैं मार्केट से जाके बेकरी से लेके आके घर पे ही खाने वाली हूँ। तो आपसे मिलती हूँ मैं डिनर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब हमारा डिनर का टाइम हो गया है, बट दिन में जो मैंने खाया ना उसके बाद तो मेरे गले में ऐसा आ रहा था कि मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, बट स्टिल चैलेंज पूरा करना ही था। एंड चैलेंज पूरा करना था, चैलेंज के अंदर एक चैलेंज करने का आइडिया फिर मेरी सिस्टर ने दिया कि चलो दीदी फिर से चैलेंज करते हैं इसको, बस चैलेंज करना होता है क्योंकि ये जीतती है हमेशा। बट इस बार हरा दूंगी मैं फिर से, जैसे लास्ट टाइम हराया था गोलगप्पा चैलेंज में। अगर वो वीडियो नहीं देगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, जाके चेक कर लेना। तो अभी हमारे पास रात का जो चैलेंज करने के लिए, रात का जो मेरा डिनर है वो आइसक्रीम है। मेरे पास चोको क्रंच है और इसके ऊपर चोको वनीला है। एक्चुअली ये एक ही पीस पड़ा था एंड मैं ये नहीं खा सकती थी, जबकि मुझे वनीला वाला ही खाना था, बट ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कि पिघले लाइट की गर्मी से हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अभी 1 2 3 तो बोल दे, मैं 1 2 3 बोलना भूल गई। 1 2 3 स्टार्ट। फाइनली मैं जीत गई हूँ। एंड अब मेरी बहन को बोलना पड़ेगा कि दीदी तुम दुनिया की सबसे बेस्ट दीदी हो। माय गॉड, जो वो और लड़कियों को बोलती रहती है, मुझे उसने आज तक कभी नहीं बोला।
ये बोल कि आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो और आप जैसा कोई भी नहीं है, तब सीधी बोल 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 मेरे इतनी, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ जैसे ऐसे अंडरटेकिंग करती। चल जल्दी बोल। बहुत मुश्किल। One hour later. बोल भाई ये क्या बात है, हारने यार पनिशमेंट भी नहीं कर रही, बोल जल्दी। सब लोग तेरे डिसलाइक कर देंगे तो नहीं बोलेगी। ये तो नहीं बोलने वाली, पता नहीं जैसे मैंने इसका क्या कर्जा चुरा रहा, कर्जा लेके बैठी होंगी जो ऐसे बिहेव कर रही। तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बोलो कि दीपिका दीदी को बेस्ट बोलो। जल्दी सबको सब कमेंट कर दो कि दीपिका दीदी को बेस्ट बोलो, दीदी को बेस्ट बोलो, जेटी को बेस्ट बोलो, जेटी को बेस्ट बोलो, सब बोल दो। और हाँ लाइक कर देना 2000 लाइक फिर से, लास्ट वाली वीडियो में 2000 लाइक आपने किया नहीं है, फ्री में वीडियो ले आई, नहीं करोगे तो भी आ जाएगी, पर कर दोगे तो मेरे दिल को थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी। तो नीचे जाके जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो कि जेडी को बेस्ट बोलो, जेडी इज द बेस्ट। नहीं ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत सारे चैलेंज होने वाले हैं। एंड नेक्स्ट एक रिक्वेस्टेड चैलेंज होने वाला है, जो कि काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी। तो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो क्या मेरे पीछे से क्या वो कर रही थी वॉइस ओवर।